अभी मैं जा रही हूँ घर पर, और रिक्शा के लिए देखने गए हैं कि रिक्शा है नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं इसलिए बच्चों को साथ लेके नहीं जा रही हूँ। चिड़ियाँ देखो अपने आप आ गई हैं, यहाँ पर अंदर आ जाती हैं ऐसे ही। तो अभी पापा ने भी खाना खा लिया, मम्मी ने भी खाना खा लिया, और मैंने घर पे खाना नहीं खाया था तो मैंने भी यही ले आई थी, मैंने भी नाश्ता कर लिया, मतलब पराठे लेके आई थी मम्मी के लिए अपने लिए या पापा के लिए खाना। तो अभी मैं ये सारा जो पड़ा हुआ है सब कुछ मतलब सेट कर दे रही हूँ, सफाई कर दे रही हूँ, गैस वगैरह सारी ही पोंछ दे रही हूँ, गंदी हो रखी क्योंकि पापा इतना नहीं कर सकते, ये सब साफ़ कर दे रही हूँ पहले मैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये सब चीज़ धो के रख देती हूँ फटाफट से। तो अभी मैं घर से आ गई हूँ वापस, ये मुझे लेने गए थे क्योंकि बच्चे भी फिर स्कूल से आ गए थे, और वो विशाल जो है वो खाना नहीं खाता जब तक कि मैं उसके साथ में ना हूँ, और ये मैं टीवी देख रही हूँ इसलिए आपको ना उसकी आवाज़ आ रही होगी, और बच्चों ने ना सबने साथ में लंच कर लिया, वो लोग अपनी बस रेस्ट किया थोड़ी देर, उसके पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी हम टीवी देख रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। टीवी देखते देखते ना ये कुछ मिर्च ले, ये मिर्च है तो इसका मैं अचार बनाऊंगी, और घर जाने से पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करके सूखने डाल कर गई थी मैं, और जब मैं वापस आई हूँ तो ये भी अच्छे से सूख गई हैं। तो ये कुछ कुछ मिर्च है वो लाल भी हो रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ी ख़राब है इसको अलग कर देंगे हम, और इसका मैं चीरा लगा दूँगी, और मसाला मैंने तैयार कर लिया है इसमें भरने के लिए। अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ अपनी सब्जी का, इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं जैसे कि जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, और बड़ी इलायची जो काली वाली, सफ़ेद इलायची है, और दालचीनी जो होती है दालचीनी का टुकड़ा वो भी ऐड किया है, इसमें एक प्याज डाली हुई है, सिर्फ हल्का ब्राउन करने तक मैं इसे फ्राई करूँगी, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी अदरक। तो इसमें मैं लहसुन ऐड नहीं कर रही हूँ, इसमें लहसुन का जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा नहीं आता है, तो अदरक को भी ना मैं हल्का हल्का सा ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करूँगी, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी इसमें कुछ काजू के पीस हैं और ये मगज, तो ये भी इसमें हम डाल देंगे, और इसको भी हम हल्का हल्का सा ना फ्राई कर देंगे इसमें। और मैं बनाने जा रही हूँ आज लबाबदार पनीर, तो उसमें ये सब चीज़ें जो है मसाले वो फ्राई कर कर ही अच्छे लगते हैं। हम इसमें कट करेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखा है, इसको हम रफली चॉप कर लेंगे, और इसको भी हम इसमें ना सॉफ्ट होने तक पकाएंगे जब तक जो हमारे ये टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, और सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और जो गैस की फ्लेम है ना उसको मैंने मीडियम रखा है, और अब अच्छे से हम इसे पका लेंगे, कम से कम हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे इस मसाले को अच्छे से। जो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करेंगे, इससे क्या होगा ये मसाले वो अच्छे से पक जाएंगे, फिर हमने बस थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, और इसको हम अब पकाएँगे 3 मिनट तक ना हम इस मसाले को इसी तरह से पकाएँगे, और जो गैस की फ्लेम है उसको हमने मीडियम ही रखा है, इसको ढक देंगे अब हम, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको मिक्सर जार में डाल के ना पीस लेंगे। सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, इनको फ्राई करने जा रही हूँ, और बच्चों को भी बहुत पसंद है, इन्हें भी बहुत पसंद है, सभी लोग खा लेते हैं, और ये दाने ख़त्म नहीं होने देते हैं, बस इनको मैं अभी फटाफट से इनको भून के रख लेती हूँ, और इसमें सारे मसाले वगैरह सब मिलाएंगे भुनने के बाद, तो मैं इसमें फटाफट से इनको बना लेती हूँ अच्छे से। अभी मैंने हाई कर रखा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इसको मीडियम कर दूँगी। दाने भुन गए हैं, अब इसमें मैं सारे मसाले जो है वो ऐड कर देती हूँ।
मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो आलू गोभी को मैंने ना गर्म पानी में डालकर ना इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि पहले मैं सादा पानी से ही वॉश करती हूँ, फिर एक बार इसे गर्म पानी से ही वॉश करती हूँ। तो ये अच्छे से हो गई है, इसे मैं निकाल लूँगी। मैंने उबाला नहीं है गोभी को, सिर्फ गर्म पानी में इसे डाला है। आलू गोभी का वो तैयार हो रहा है। इसमें मैंने ज़ीरा, हींग और प्याज डाली हुई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर। अब इसमें मैं ये दो तीन हरी मिर्च है इसको मैंने बीच से कट कर लिया है और इसी में ही डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा पानी मैं डालकर ना इसको कवर करके रख दूंगी। और फिर तो मैंने ना अचार डाल दिया था और इसे डाले हुए दो दिन हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा अचार ना घर के लिए थोड़ा पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि शायद पापा खा लेते हैं मिर्च का अचार, इसलिए मैं उनके लिए भी रख दे रही हूँ थोड़ा सा अचार इसमें से। और खाना मैंने पैक कर दिया, फटाफट से अचार भी रख दे रही हूँ। तो अब मैं पीऊँगी अपनी चाय और साथ में मैं दो ब्रेड लूँगी।